आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग क्वेश्चन 3 के आंसर्स को। इसके आंसर बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन के जो भी आंसर्स परफॉर्म डाउट कर रही हूँ मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शंस में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर एक एक करके हम सबके आंसर्स बताते हैं। सबसे पहले बता दूं 11 दिसंबर के दिन इस क्विज को परफॉर्म कर रही हूँ, तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें आपने मेक श्योर करना है कि आप लोग अपने बैच का ही क्विज हो। क्वेश्चन है हमारे पास पहला, और विच प्लेटफॉर्म द गेट इन दोज फीचर्स अवेलेबल, फाइबर, अपवर्क, टॉपटेल या फिर पीपल पर आवर। इन चारों में से आपके पास जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस से गेट इंडोज का ऑप्शन या फीचर आप कह लो कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है। करेक्ट आंसर रहेगा इसका अपवर्क। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर फाइबर, अपवर्क, टॉपटेल, पीपल पर आवर के अलावा तुम्हारे पास लिंक्डइन का ऑप्शन होना तो लिंक्डइन के ऊपर बेसिकली इंडोर्समेंट फंसती है, तो लिंक्डइन के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। सेव एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम हर क्वेश्चन के बाद में। दिन कहता है विच फ्री प्लेटफॉर्म यूज द टर्म सीईआरटी लेवल फॉर फ्रीलांसिंग रैंकिंग, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर या फिर फ्रीलांसर में से ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि सीईआरटी लेवल ऑफ फ्रीलांसिंग रैंकिंग को यहाँ पर यूज करता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा पीपल पर आवर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर जो कि है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। सेला में सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर माइलस्टोन बेस्ड फीडबैक एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट, एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर सेंडिंग अ माइलस्टोन डिलीवरी। सेंडर क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट करे माइलस्टोन फीडबैक के लिए जब उसने अपनी माइलस्टोन डिलीवरी को कम्प्लीट कर दिया। अच्छा तुमको नहीं पता जो है क्या कहते हैं यहाँ पर के माइलस्टोन जो है वो क्या होता है, तो मैं उनको बता दूँ। उसमें एक प्रोजेक्ट लिया है, उसके 2-3 पार्ट्स हैं, तो जो है क्या कहते हैं, मैं समटाइम ऐसा भी कर सकती हूँ कि एक प्रोजेक्ट लेकर उसको पूरा का पूरा वर्क कर डिलीवर कर दूँ, या फिर मैं उसके 2-3 पार्ट करूँ, इन 2-3 पार्ट करके डिलीवरी करूँ, 2-3 पार्ट में उससे पैसे जो है वो चार्ज कर लूँ। यानी कि अगर $50 का है तो मैंने उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया और हर एक माइलस्टोन के बाद मैंने उससे कहा कि आपने $10 की पेमेंट को रिलीज करना है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम कर सकते हैं। तो आप माइलस्टोन डिलीवरी के बाद फीडबैक ले सकते हो। व्हाट बेनिफिट यू कैन गेट फ्रॉम मल्टीपल के एग्रीगेट लाइन रिप्रेजेंट व्हाट आर द फ्रीलांसर कैन डू पोर्टफोलियो क्रिएशन या फिर गिग प्रमोशन। तो यहाँ पर आपको बताने कि मल्टीपल गिग से आपको जो है वो कौन सा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर तो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो रिटेन क्लाइंट्स का है। दूसरे लोग क्या करते हैं, इससे हमें कोई एज अ फ्रीलांसर फर्क नहीं पड़ता, पोर्टफोलियो हमारी ऑलरेडी क्रिएट होती है और गिग प्रमोशन जो है वो इसमें नहीं आती। देन कहते हैं टू गेट द टॉप रेटेड बैच ऑन ऑफ वर्क योर जॉब सक्सेस स्कोर भी 80, 85, 90 और एटलीस्ट 95। तो यहाँ पर हमें मोर देन 90 चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट 90 को सिलेक्ट करती हूँ। अगर आकर मैं गलत होगा तो एटलीस्ट 95 करेक्ट होगा, लेकिन 90% जो है वो करेक्ट आंसर होता है, तो इसको चूज कर लेती हूँ। अगला क्वेश्चन है योर चांसेस ऑफ फेलियर ऑन अपवर्क विल बी हायर इफ योर रेट्स आर हायर, योर स्टार्टिंग आउटसोर्सिंग, हैविंग गुड एक्सपर्टीज इन योर स्किल, यू क्रिएट योर प्रोफाइल विदाउट हैविंग अ बैड एक्सपीरियंस ऑन मार्केट प्लेस। ये चांसेस ऑन फेलियर और अपवर्क का बाहर होता है कि जब आप अपने प्रोफाइल को क्रिएट कर लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है क्या एक्सपीरियंस नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि जी अपवर्क फाइबर से जो है वो पैसे कमा ले, तो बच्चों को उनको लगता है कि अपवर्क फाइबर जो है वो एक पैसे कमाने की वेबसाइट है, उस पर जाके अपना अकाउंट बनाओ और वहां से जो है वो पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आधे लोगों ने इस चीज के बेस पर जो है वो अपना अकाउंट बनाया, तो ये सबसे गलत चीज है। सेवन क्वेश्चन है कि फाइनल हेल्प करता है फ्रीलांसर को तो फाइल डिस्प्यूट मूव फन बिटवीन फ्रीलांस मार्केट प्लेस विदड्रॉ मनी फ्रॉम फ्रीलांस मार्केट प्लेस, इसका करेक्ट आंसर है। देन कहता है एम्प्लॉय वैल्यू यू ऑफर सर्विस बेस्ड ऑन डिस्प्ले पिक्चर प्रोफाइल रिव्यू एंड फीडबैक्स या गेट्स। अच्छा मैंने पहला क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया था, बता दीजिए कि जो एम्प्लॉय की वैल्यू होती है वो किस सर्विस की बेस पे होती है, आपकी पिक्चर पे, आपके प्रोफाइल पे, आपके रिव्यूज और फीडबैक्स पे या फिर आपके गेट्स पे। तो जितना अच्छा रिव्यू फीडबैक होगा अगर आपके पास उतना ही ज्यादा चांस है यहाँ पर
आपको फर्दर ऑर्डर मिलने का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पायनियर सब्सिडियरी कंपनी फाइवर डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड सपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ फाइवर फ्रीलांस मार्केट प्लेस। तो पायनियर जो है यहाँ पर पेमेंट सर्विस मेथड है जिसके थ्रू हम फ्रीलांस मार्केट प्लेस से पैसे लेते हैं। और अपर द प्रोफाइल कम्प्लीटनेस परसेंटेज इंक्रीज बाय कम्प्लीटिंग अ ग्रेट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट एंड योर प्रोफाइल डिटेल सबमिट बिट टू इट इज पार्ट ऑफ पॉजिटिवली गेटिंग रिव्यू ऑन द प्रोजेक्ट। अपर के ऊपर जो प्रोफाइल कम्प्लीटनेस परसेंटेज होती है वो कैसे इंक्रीज होती है। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा एडिंग योर प्रोफाइल डिटेल। तो ये तो काफी अच्छा था फ्रीलांसिंग का कोई स्त्री में, उम्मीद करती हूँ कोई आपको पसंद आया होगा। सो आप देख लो हमने यहाँ पे 9 मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अपवर्क का रेशियो जो होता है वो 90% होता है, लेकिन यहाँ पे या तो 90% ठीक होगा या 95% ठीक होगा। तो वहाँ पे 95% जो है वो करेक्ट आंसर था, मैंने स्टिल 90% चूज किया था। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे गलत हुआ है, बाकी के जो है वो सारे सवाल बिल्कुल ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वो भी ठीक ही था, लेकिन जो है हमारे पास जो है वो हमने अपने अकॉर्डिंग भी ऑप्शन चूज किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। जो भी कोई आपकी एक्सरसाइज 2 है फ्रीलांसिंग के अलावा, उनके सोल्यूशंस मैंने अपलोड आउट कर दिए, मेक श्योर करो कि आप उनको चेक करो। ऑल एक्सरसाइज उनको इस सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन कॉल पर प्रेस कीजिए कंप्लीटली फ्री, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।